फ्रेंड्स, आज किसान मेला लगा हुआ है। ट्रैक्टर है, स्प्रे मशीन है, पाइप है, मोटर है। 70,000 का है और इसमें 30,000 सब्सिडी है। क्या चीज का है? मछली पालन वाला है, इसमें भी सब्सिडी है क्या? ये क्या चीज है? वो ये वाला दो आदमी दे ना, क्या है? ये स्प्रिंकलर है। आप दो आदमी है क्या? पानी पटाने का काम? पटाने का फुव्वारे से पानी पटाया जाता है। अच्छा, ये 80% अनुदान पे। 80% अनुदान पे जी, विज्ञान विभाग की तरफ से 80% अनुदान पे लगता है किसानों का। फुहारा वाला ये है। ये चक्की मशीन है। फ्लोर मिल है और इस पे 12,000 सब्सिडी है। और ऐसे जनरली आप लेंगे तो 24,000 का है और आपको 12,000 सब्सिडी काट के 12,000 में मिलेगा। मोटर वाला है। ये किस चीज का है? क्या है ये? मक्खी का। मक्खी पालन करने वाला है? मक्खी पालन नहीं करने वाला है, मक्खी परेशान करता है उसके लिए। यहाँ पे भी स्प्रे मशीन है और ये चार्जेबल है, 8 mAh का है बैटरी। मट्टी जांच करवा सकते हैं। वहाँ से ली ना, एक कोना पर है, कोना पे है उसका छोटा पिंक पिंक। इसका क्या बिकता है? मशरूम बिकता है क्या? हाँ, कैसे किलो है? ये क्या है? मशरूम का ही है, इसी में से टूटा हुआ है ये सब। ये कौन सा मशीन है? ये वाला किसान सेवा प्लस मशीन है सर, स्प्रे करने वाला। जी जी। कितना एचपी का है? मोटर है क्या है वो मशीन? उसका मशीन है फोर स्टॉक। जी जी। किसानों को इफ्को द्वारा मुफ्त दिया जाता है किसानों को नैनो यूरिया स्प्रे करने के लिए। जी। कम लागत की खेती और फायदा अधिक का किसानों को फसल के रूप में बताया जाता है प्रत्येक फसलों में। और कृषि यांत्रिकरण मेला में जो सीतामढ़ी जिला में इफ्को द्वारा प्रयास किया गया है वो किसानों को सर देख लिया जाए। जी। अच्छा, मकई जो करेंगे जी तो उसमें DAP से स्प्रे करना होगा। जी जी। और बीज उपचार भी कर सकते हैं। क्या बीज उपचार? जैसे मान लीजिए बीज में ही उपचार अगर करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। कैसे? 5 ml 1 kg बीज में 5 ml नैनो DAP का बीज उपचार करना है, उसको रोप देना है।
मैंने फुला देना है जी जी। सो फ्रेंड्स, अभी ये देख सकते हैं, ये अभी किसान मेला लगा है सीतामढ़ी मुरादपुर में, मुरादपुर कृषि एग्रीकल्चर ऑफिस के जस्ट राइट साइड में लगा है। जिला स्तरीय यह मेला लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा केला का वो है, घोर है। एक घोर की लंबाई 7 फीट से 9 फीट तक होता है यहाँ का। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और इनका मोबाइल नंबर है। ये अपना प्लांट देते हैं केला का पेड़। यहाँ देख सकते हो फ्रेंड कितना बड़ा है, और ये है, और ये लगाया गया है शोपीस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया गया है। अच्छा, इसका पेड़ लेना होगा तो कहाँ है रतवारा? पेड़ कैसे मिलेगा? वो 100 रुपये। इसका पेड़ का हाइट कितना रहता है? 13 फीट। घोर का? घोर वही 6, 7, 8, 9 तक। कितना हत्था का रहता है लगभग? 25 से 30 हत्था। 25 से 30 हत्था का ये केला का घोर है। यही यूनिक है यहाँ का। और रतवारा में सपोज़ आपको लेना होगा तो रतवारा में है, और इनका कांटेक्ट नंबर यहाँ पे है, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का और मनमोहन सिंह कुशवाहा का। तो इस पे आप कांटेक्ट करके ये केला का पेड़ ले सकते हैं रतवारा में जाके। ये बाबा लिए हैं, बाबा इसी का पेड़ लिए हैं क्या? कितना पड़ा है, कैसे पड़ा है? 100 रुपये। कितने दिन में फलने लगेगा? साल भर में। इसका हाइट कितना रहता है? 12 फीट। अच्छा, आपका घर कहाँ है? रेवासी कठहरी बाबा का घर है। यहाँ पे ओल का है, उधर गजरा का है रेड वाला, और इधर देख सकते हैं गेहूँ का है, मिर्ची का है। वो सब अपने किसान अपने अपने खेत से यहाँ पे लेके आए हैं मेला में, किसान मेला में। दिलीप नाल और यहाँ पे ईख का भी है। रामयश सिंह, तेजन सिंह, और इनका किसान रजिस्ट्रेशन है, और ये बथनाहा के रहने वाले हैं, और इनके खेत में इतना बड़ा बड़ा होता है। किस चीज़ का पेड़ है? कैक्टस का? ड्रैगन फ्रूट का। और यहाँ पे अचार मिल रहा है, तगड़ा खोल के देखा है बाबू के हाल है कैसे है? मतलब ऐसे पहले ये बता दीजिए, ये कितना? 75 रुपया। आधा किलो है? हाँ। अच्छा, खोल के दिख रहे हैं। किस किस चीज़ का अचार यहाँ पे मिलेगा? इसमें अभी मिक्सचर मिलेगा, आम का मिलेगा, नींबू का मिलेगा, आंवला मिलेगा। अच्छा ठीक है, दिख लाइए पहले आम का, पहले दिख लेगा। हाँ, तेल कम है, वायरलेस है, ठंडा ना है। ये नींबू का है? ये नींबू का अचार है। और दिख रही है आंवला का, दिख रही है। ये भी नींबू का, ये भी नींबू का अचार है। ये आंवला, ये आंवला का, ये कट गया है आंवला।
और ये किस चीज का ऑयल है? चावल का है, तिलौरी। अच्छा, चावल का, चावल का तिलौरी है। दाल का बड़ी है, दाल का बड़ी है। मिक्सचर अचार है, ये मिक्सचर अचार है। ये कोई इधर टूटा हुआ है, ये है साबूदाना का तिलौरी। साबूदाना का तिलौरी काम गया उधर। ठीक है, ये स्वर्ण मधुर उत्पाद है। ये को यहाँ छुटा हुआ है, और बाहर में ट्रैक्टर। इस सब का पेड़ कैसे आता है? पेड़ बेच रहे हैं या फूल बेच रहे हैं? हम सब खेती करते हैं। कितना छोटा पौधा आता है? इतना बड़ा कलकत्ता से। कैसे वो कट्ठा पीछे कैसे लगता है? एक कट्ठा में 1,000 लगता है। 1,000 तो पौधा का प्राइस कितना रहता है? रुपया कितने रुपए पौधा मिलता है? 1 इंच पौधा का, एक पौधा 500 ना पीस पे नहीं मिलता है? नहीं, पीस पर नहीं, 1,000 पे मिलता है। 1,000 का प्राइस कितना रहता है? जैसे वहाँ कौन कौन सा फूल ये है इसमें? चीना चेरी, चीना है, चेरी है, और पीला चीरा है। सपोज दैट कोई पेड़ लेना होगा तो कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? बैरा कहाँ पे पड़ता है? चौक पर, बहरा बतनाहा चौक। कमलदा चौक। हम सब खेती करते हैं। आप सब खेती करती हैं? हाँ, हम सब इसको। आप ही क्या है? हाँ। अंजू देवी है। हाँ। नरेश महतो जी। हाँ, हाँ। और इनका किसान नंबर पूरा नहीं डाला गया है। हाँ। ये बहरा है, बहरा नराही जीवा है। हाँ। वहाँ से सीतामढ़ी से है। सपोज डेट आपको लेना हो तो आप इनके कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ से ले सकते हैं। किस चीज़ का बीज सब है इसमें? ये सब आपको लिखा हुआ है सब, ये कौनी है जी, ये कौनी का चावल हो गया जी, ये कौनी का बीज हो गया, कौनी बीज, ये ज्वार हो गया जी, यहाँ पर सामा हो गया, ये चीना का चावल हो गया, ये चीना हो गया, कोदो हो गया, ये कोदो का चावल है, और ये मरुआ है। और ये फूल किस चीज का है? फूल भी है ना? ये फूल तो हम लोग रखे हुए थे अपने काउंटर पे। एक केचुआ खाद इकाई है और यहाँ पे बीज मिलता है, सजमन, घेरा, ये सब का। हेलो जी, नमस्कार, क्या बोले सर? मशरूम का अचार, आम का अचार, मिक्स अचार, सब कुछ मिल रहा है। मटर रवि को किसान मेला में आए हुए हैं, जीविका दीदी के द्वारा लगाया गया है यहाँ पे। और वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स, अभी मैं आपको और दिखाऊंगा। यहाँ पे भी आम का अचार, मिक्स अचार, आंवला का अचार, सारा कुछ मिल रहा है। कैसे है? 100 रुपये डब्बा? जी जी, 100 का है। खुद से बनाते हैं या? जी, आप खुद से ही बनाते हैं। लगते चाहे ना लगते। ठीक है मैम, हम जरा देखते हैं जी। ठीक, ये क्या चीज़ है मैम?
ये तो जोला है मछली को खिलाने के लिए, खेती करने के लिए लिए। मतलब इसे खेती होता है? जी हाँ, जी वहाँ पे मिलता है। मछली उत्पादक सब इसको खरीदेंगे? जी ये यहाँ का मेला है और बाहर आपको लेके चल रहा हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पे। ये 3 सिलेंडर की गाड़ी है और इस पे 4,77,417 रुपया इसका पड़ रहा है और इस पे भी 1,80,000 सब्सिडी है। और सामने जो देख रहे हैं वो 4 सिलेंडर की गाड़ी है और 5 लाख समथिंग उसका प्राइस है, उस पर भी 1,80,000 रुपया सब्सिडी है। 4 सिलेंडर की गाड़ी है और इस दोनों में 7-7 गियर है, जो राइट साइड में ही गियर है इसका। और ये गेहूं धान दोनों काटने वाला मशीन है। ये बुआई की मशीन है। करप्टन का मोटर कैसे पड़ता है, कितना एचपी का है? 2 HP और सब्सिडी काट के कितना में मिलेगा? 8,000 रुपया। और जनरली जिसके पास सब्सिडी वो नहीं होगा, परमिट नहीं होगा तो डायरेक्ट नहीं बेचते? डायरेक्ट वाला अपने पास। और यहाँ पे सोनालिका की गाड़ी भी बिक्री की है। रोटावेटर भी है इस पे। इस गाड़ी पे सब्सिडी कितना है? इस गाड़ी पे भैया सब्सिडी कितना? रोटावेटर पे कितना पड़ता है? रोटावेटर पे सब्सिडी 1,20,000 सब्सिडी काट के। महिंद्रा की जीवो 225D है और इसका प्राइस कितना है? हेलो, इसका पैसा मालूम नहीं है। चार एकानवे और सब्सिडी इस पे कितना है? 1,80,000। तो सब्सिडी काट के ही मिलता है या फिर सब्सिडी काट के मिलेगा? कितने सिलेंडर की गाड़ी है ये? 2 सिलेंडर और इसमें 10 गियर हैं जी। इसमें गियर कितना है? गियर इसमें 10 चार गियर ना है इसमें। ये क्या है? लो हाई और रिवर्स है ना। ये है यहाँ है, जैसे लो हुआ ये हाई हुआ है, ये रिवर्स। ये क्या दिया हुआ है? मैनुअल? ये जो है सो आपका हाइड्रोलिक के लिए लीवर सब है। अच्छा, हाइड्रोलिक का लीवर जी। ओम कार इंजन वर्कशॉप है, तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर पंजाब। और यहाँ पे थ्रेसर पे भी सब्सिडी मिल रहा है यहाँ पे सीतामढ़ी में। और ढेरों सारी गाड़ियाँ लगी है, सोनालिका है, जॉन डियर है, स्वराज है, सब पे सब्सिडी आपको मिलेगी। रोटावेटर पे भी है, ये स्वराज गाड़ी है।
सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं बिहार का अजूबा केला का पेड़ लेके आए हैं, और ये हमारे सीतामढ़ी के ही रहने वाले हैं। एक घर की लंबाई 7 से 9 फीट तक की है, और इनसे बात करवाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र सिंह कुशवाहा। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, ये केला का खेती आप कितने दिनों से करते हैं? लगभग 3 साल से करते हैं। 3 साल से करते हैं। और इस केला के बारे में आपको कहाँ से पता चला? कई जगह से लाए, 15-20 जगह से लाए थे, जिसमें ये बड़ा केला निकल गया, इसको बढ़ाने लगे। और इसका जैसे तैयार हो जाता है तो लगभग कितने में एक घौर बिकता है आपको? 1800 तक बेचे हैं। 1800 एक घौर 1800 तक बेचे। और इस केले का टेस्ट कैसा रहता है? अच्छा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है। और इसका अभी जैसे कोई किसान आपसे लेना चाहेगा, पौधा लेना चाहेगा, तो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ, करवा देंगे। कैसे, एक पेड़ का प्राइस कैसे पड़ेगा? 100 रुपया। तो फ्रेंड्स, आप इनका कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का मोबाइल नंबर है, और कुछ आपको लेना हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपका अपना एड्रेस आप बता दीजिए थोड़ा। बाजपट्टी प्रखंड हुआ, बिशनपुर अतवारा गाँव है जी। देख सकते हो फ्रेंड्स, एक करीबन 6 फीट का यह केला का घौर है, और ये अभी अपने फ़ोन में दिखलाए हैं 9 फीट का ये तैयार करके बेचे हुए हैं। और इनके पास करीबन कितने एकड़ में आप लगाए हुए हैं ये केला का पेड़? बड़ा वाला घौर वाला ये केला जो है सो 3 बीघा में है। 3 बीघा में लगाए हैं? 3 बीघा जनरल केला जो होता है वो केला है, टोटल 6 बीघा केला है। ठीक।